दोस्तों, ये वीडियो कमेंट से है क्योंकि कमेंट में पूछा गया था कि अगर अंदर से तार कहीं पे वायर कॉइल का टूट जाए तो उसको कैसे जोड़ते हैं। तो इस वीडियो में आप देखोगे, देखिए यहाँ पे एक वायर है कॉइल का और टूट गया है, तो उसको किस तरह जोड़ना है। तो सबसे पहले तो अगर आपको मिल जाता है आसानी से कि कहाँ पे टूटा हुआ है, तब तो फिर आपका जो वायरिंग करने का खर्चा है वो बच जाएगा। तो किस तरह से इसको जोड़ना है आप देखोगे, क्योंकि ये कॉपर नहीं अल्मीनियम है तो इसमें सोल्डिंग होगा नहीं। तो जोड़ के उसमें ट्यूब डाल देंगे ताकि कहीं पे वो सटे ना, खास करके बॉडी पे, नहीं तो फिर पूरे पंखे में करंट आने लगेगा। और दोस्तों, हल्का हल्का छीलना है चाकू या फिर ब्लेड से, क्योंकि आप जोर से अगर मेहनत करोगे, जोर से दम लगाओगे तो फिर जो कॉइल का जो वायर है वो कट सकता है, इसलिए ज़्यादा दम ना लगाएं। इतना हो जाने के बाद इसको दबा के ये लगा देंगे, और ये जो है ये है लकड़ी का, बांस का, इसे दबाएंगे ताकि जो कॉइल है उसका जो ऊपर का जो लेयर है वो हटे ना। अब करते हैं इसका टेस्टिंग, चेक करते हैं इसको सीरीज में। इसका जो ब्लू वायर है वो है कॉमन, और ब्लैक और रेड कैपेसिटर का कनेक्शन है। तो दोस्तों, फैन हो गया है हमारा तैयार। थोड़ा सा मेहनत लगता है कि कहाँ पे वायर टूटा हुआ है ढूंढने में, तो अगर आपको वाइंडिंग का खर्चा बचाना है तो इतना तो खैर करना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने पंखे का ख्याल रखें।